हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं जहीरुल, आपका दोस्त एंड होस्ट, और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यूजीसी का जो लिस्ट है वहां पर फेक यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा यूनिवर्सिटी अभी भी है जो फेक है। तो अगर आपने फेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो आपका जो पैसा है वो भी बर्बाद हो जाएगा, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और आपका डिग्री कोई काम का लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो एडमिशन लेने से पहले आपको जानना जरूरी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, कौन सी यूनिवर्सिटी गलत है। दोस्तों उसका जो लिस्ट है यूजीसी के अंदर दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका जो यूनिवर्सिटी का नेम है आप चेकआउट कर सकते हैं फेक यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका नाम है ही क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल का तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और दोस्तों साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बेल आइकन को दबाना। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो काम आपको करना है, किसी भी ब्राउजर से एक एक टैब ओपन कीजिए आप, और गूगल में लिखिए UGC, उसके बाद सर्च मारिए, एंटर मारने के बाद कुछ इस तरह से एक रिजल्ट आएगा, उसके बाद UGC का जो होम पेज है उसको ओपन कीजिए आप। ठीक है, सो दोस्तों UGC का जो होम पेज है उसको ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खुद ही एक फेक इंसान बैठा हुआ है जिसका डिग्री का कोई पता नहीं है और UGC की वेबसाइट के अंदर ही बैठा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको काट देता। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट दिया है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट दिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिया है, यहाँ पर फेक यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट दिया है जो UGC ने गलत ठहरा दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेटस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लानिंग मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। ठीक है, इस सब को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप नीचे देखिए स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज़, मतलब अप्रैल 2018 के हिसाब से कौन सा यूनिवर्सिटी फेक है, कौन सा स्टेट का। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो अगर आपका जो डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने उस डिग्री को हासिल किया है तो आपका जो डिग्री है कोई काम का नहीं है, उसको आप फेंक सकते हैं या फिर जला सकते हैं, कोई काम का नहीं है, कहीं पर भी काम नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब पर तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। ठीक है, तो बिहार में मिथाली यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है दरभंगा है बिहार में। ठीक है, दिल्ली में है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है, वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, ARD सेंट्रक है। कर्नाटका में आप देख सकते हैं बदागनवी सरकार वर्ल्ड चैंपियन ऐसी कुछ है। केरला में सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में राजा अरबिक यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर बनता है मुझे लगता है। क्या क्या यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिवर्सिटी फेक यूनिवर्सिटी है आपको दिख रहा होगा। उसके बाद उड़ीसा में जाइए, उड़ीसा में भी 2 यूनिवर्सिटी है फेक यूनिवर्सिटी है, और पुडुचेरी में एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पुडुचेरी में भी एक यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से आप फेक यूनिवर्सिटी को ढूंढ सकते हैं और आप देख लीजिए आपका जो डिग्री है क्या वो इन सभी यूनिवर्सिटी से, किसी का भी अगर हो गया ना तो आपका करियर बर्बाद हो गया। और एडमिशन लेने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा, स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना यूनिवर्सिटी चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो आपका जो यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका अप्रूव जिसमें अप्रूवल है कि नहीं है, किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।